इसका आंसर है बच्चों ये अभ्यास प्रश्न है आपके। इसका पहला क्वेश्चन है आधा साहब का अचानक जी गुब्बारे का क्या कारण था। नेताजी सुभाष सूचना पाठ के आधार पर इस प्रश्न तो इसका आंसर है हरदार साहब सोच रहे थे कि अब जब चश्मे वाला ही नहीं रहा तो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति पर चश्मा भी नहीं होगा, पर जैसे ही उनकी जीप कस्बे के चौराहे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था। वह अत्यंत आनंदित हुए तथा उत्साह में आकर उन्होंने तुरंत जीप रुकवा दी। ये क्वेश्चन समझ आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। इसका आंसर है यद्यपि चश्मे वाला कद काठी वेशभूषा चाल ढाल किसी से भी एक कैप्टन यानी सैन्य अधिकारी नहीं होता था, कोई कैप्टन नहीं होता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अत्यंत सम्मान भाव देखकर लोगों ने आदर या व्यंग से उसे कैप्टन कहना शुरू कर दिया होगा। आधा हिंदू फौज में रहे अनेक सेनानी कैप्टन कहकर पुकारे जाते थे। आधा हिंदू फौज में रहे अनेक सेनानी जो आधा हिंदू में फौज में यथा कैप्टन बिल्लन कैप्टन लक्ष्मी कैप्टन शाहबाद आज किसी दर्रे पर लोगों ने चश्मे वाले को भी विरोधवश कैप्टन को नाम दे दिया होगा। यानी ये जो नाम मैंने दिए हैं ये आधा हिंदू फौज के सिपाही इन्हीं के नाम पर लोगों ने या तो व्यंग किया होगा या आदर के साथ या मजाक में हंसी में उस चश्मे वाले को कैप्टन उपनाम दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों नेताजी का चश्मा पाठ में जब मूर्ति बनाने का कार्य किसी स्थानीय कलाकार को देने का निश्चय हुआ होगा तो मास्टर मोतीलाल ने लोगों को क्या विश्वास दिलाया होगा। उन्होंने पटक देना शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया होगा। मूर्ति बनाने के लिए काम किया गया होगा उसने पटक देने शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया होगा। इसका आंसर है जब मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार को देने का निश्चय हुआ होगा तो मास्टर मोतीलाल ने लोगों को विश्वास दिलाया होगा कि वह महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देगा यानी जैसे भी हो मूर्ति बना देगा। उन्होंने पटक देना शब्द का प्रयोग इसलिए किया होगा पटक देना शब्द का प्रयोग होगा कि जैसे भी हो यानी कैसे भी हो किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके मूर्ति को महीने भर में बनाकर नगर पालिका को सौंप देगा यानी कैसे भी करे कहीं से भी करे लेकिन वो एक महीने में मूर्ति बनाने का काम पूरा कर घर को बना के नगर पालिका को दे देगा नगर पालिका को सौंप देगा। ये मतलब था पटक देगा किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके वो मूर्ति बनाने मूर्ति को पूरा करके नगर पालिका को सौंप। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देशभक्ति जैसे महत्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह नहीं करता था, परंतु पास वाले के मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, वह एक अस्वस्थ तथा संवेदनहीन मानसिकता का परिचय देते हुए देशभक्तों का उपहास करता है। अतः असली नंदा पान वाला है। क्यों है पान वाला? क्योंकि उसकी मानसिकता ठीक नहीं, वह देशभक्तों का मजाक उड़ाता है, कैप्टन जैसे देशभक्तों का वह मजाक उड़ाता है, इसलिए वास्तविक नंदा पान वाला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो नंदा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले आए हैं। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, वो लंगा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले पान लिखा है पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर है इसका, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी प्रत्येक उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। आजकल देशभक्ति को पागलपन और देशभक्ति को पागल कहा जाता है। ऐसी टिप्पणी देश एवं देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वास्तव में हमें देश को स्वाधीन कराने वाले उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हवा में खुले स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए उन वीरों का जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हाला साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा? पाठ के आधार पर हाला साहब ने पूछा तो अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा, इसका आंसर आपको देना है। आंसर है, पान वाला एक हंसमुख एवं मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। वह हंसमुख था इसलिए वह सदैव कैप्टन का उपहास करता था, उस कैप्टन का जश्नगानी का मजाक उड़ाता था। इसके पश्चात भी वह कैप्टन की देशभक्ति एवं उसके सरल व सहज व्यक्तित्व के कारण उसका सम्मान करता था। कैप्टन की मृत्यु हो जाने के कारण वह अत्यंत दुखी था, इसलिए कैप्टन के बारे में पूछे जाने पर वह अपनी नम आंखों को पोंछने लगा, यानी कैप्टन के मरने का उसे दुख था, बहुत दुख था। इसलिए जब हाला साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो वह भावुक हो गया और अपनी आंखें पहुंच गई। अब बच्चों अगले क्वेश्चन बाद में कराएंगे, तब पहले आप ये क्वेश्चन करने के बाद रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे अपने आप और सुंदर राइटिंग करेंगे। ओके, धन्यवाद।